यार इसको क्या हो गया? यार ऐसे मत करो चिंटू। चिंटू चलो 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 चलो, ये मत करो यार। पता नहीं क्या हुआ इसको यार। कल तक सेट था, छत पे खेल रहा था, चल रहा था सुकून से, अचानक जरा ये देखें। आखिरी सांसें चलनी है इसकी दोस्तों। बिल्कुल पानी यानी पिला दिया था मैंने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यह समझ नहीं आ रहा, 2-3 दिन चूजे हमारे बढ़ते हैं, सेट रहते हैं, जो भी हमारे पास आए ना उनके साथ यही हो रहा है। पहले भी 4 थे वो ऐसे ही मरे हैं, ये भी सेम एज इट इज उसी तरीके से ना, बिल्कुल मतलब चला है 2-3 दिन और सही रहा है, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं, हेल्दी एक्टिव था। पर अभी देखें आप इसकी हालत, बिल्कुल ही कंडीशन अजीब हो गई, रफ। ये देखें, ये बिल्कुल ही रफ पड़ गया। क्या हो रहा है, क्या नहीं, समझ से बाहर हो रहा है इनका यार। सुबह से इसी चक्कर में लगा हुआ हूँ, अभी नहा धोकर बैठा। मैंने बोला क्या करें यार, वो बच्चे जो है सेट है बिल्कुल, तीनों बिल्कुल एक्टिव है, हेल्दी, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं। पर यार वही बात है ना, एकदम से और पहला निकला था ये, मेहनत यार खराब हो जाती है सारी, दुख होता है इस चक्कर में। तो यार काफ़ी देर बाद दोस्तों, बड़ी कोशिशों के बाद हमारा जो मिंटू था, चिंटू मिंटू नाम रखा था ना कल, मिंटू नहीं रहा भाई। इतना प्यारा बच्चा था यार, बिल्कुल बाप पे था अपने बना बना। ये देखो इतना खूबसूरत बच्चा था, आज एक दिन के अंदर यार इसका सफाया हो गया। लो भाई मिल लो आखिरी बार दूर से, तुम लोग भी अपने दोस्त से, ठीक है? जा रहा है वो मिंटू तुम लोगों का, इसका साथ ये रहा चिंटू, छोटा सा पीछे बैक पर हो रहा। ये समझ नहीं आ रहा यार क्या हुआ है हमारे साथ, वो अल्लाह का करम है फिर भी सेट है, पर इसका समझ नहीं आया यार मिंटू का, इसको क्या हुआ एकदम यार, एक दिन के अंदर अंदर चटपट हो गया यार ये। खैर चलते हैं यार, इसको पहले दफना देता हूँ दोस्तों में। आ गए सेटअप पर यार, एक दिन अच्छी खबर आती है हमारे पास दोस्तों, एक दिन बुरी खबर हो जाती है। खैर दुनिया है, चलती रहेंगी ये चीजें। ओए तुम क्यों उठे हुए अंडों पे से, हैं? ये जब ही उठे हैं, ये बाजरे के आश्रय में उठे हुए। हाँ बाजरंग खत्म हुआ हुआ यार, ऐसा मत करा करो, तुम अंडे खराब कर दोगे यार, अंडों पे तो बैठा करो वापसी। इसी ऐसे इनके अंडे खराब हो जाते हैं, क्योंकि सही से ना उन्हें हीट अप नहीं करते। ये लो भाई आप लोगों का दाना, ये आपका और ये आपका, ये इसलिए खड़े हुए थे, ये देखें ये इसलिए बैठे हुए थे, अब ये खाना खाएंगे फिर अंडों पे बैठेंगे। पर यार ऐसा कब तक चलेगा, तुम अगर ऐसे बैठोगे यार ऐसा तो हो गया काम, कोई इतना टाइम भी नहीं हुआ अभी दोस्तों, नॉर्मल टाइम है,
सकता और ये अंडों पे से उड़ जाता, अक्सर ऐसे करते हैं और इनके अंडे खराब ही जाते हैं हर बार। तो यार दोस्तों कल जो है आप लोगों ने वीडियो देखी होगी जिसमें हमने इनका नाम रखा था चिंटू मिंटू और ये सारे के सारे। खैर मिंटू को तो यार हमारे पास नहीं रहा, हमारे पास से चला गया मिंटू, लेकिन ये जो बच्चा है इसका नाम मैंने आप लोगों को उस वक्त आगे वीडियो में बताया था, पर यार मैं भूल गया बताना जल्दी जल्दी में, क्योंकि बाद में वो फिर मैं उनको नीचे से लाया तो मेरे जहन से ही निकल गया, और हमजा के भी, हमजा ने भी याद नहीं दिलाया कि तुमने इसका नाम तो बताया नहीं। तो यार इसका नाम आप लोग बताओ, एक बंदे ने शायद मुझे ब्राउनी कमेंट करा हुआ था, ब्राउनी, यार इसका नाम ब्राउनी रखो, प्यारा लगेगा बहुत। वैसे आम तौर पर ये डॉग्स के नाम होते हैं, डॉग हो गया या फिर कोई कैट्स हो गई, बट मुर्गी का बच्चा है तो ब्राउनी यार इसके कलर के हिसाब से बैठ जाएगा फिक्स। तो वो एक कमेंट आया हुआ था मेरा, और एक आया हुआ था कमेंट मेरे पास के दो नाम एक लड़के ने बताए थे, उसका नाम मैंने रखे नहीं, जैक और विजी। तो वो नाम भी ज़्यादातर डॉग्स पे चलते हैं यार और कैट्स पे चलते हैं, आप लोगों को पता है। तो अब मेरे समझ नहीं आ रहा इसका नाम मैं क्या रखूँ, जैक रखूँ, विजी रखूँ या ब्राउनी रखूँ। आप लोग देख लें मुझे कमेंट में लाजमी बता दिएगा इसके नीचे कि मैं इसका नाम जैक रखूँ, विजी या फिर ब्राउनी। लेकिन अभी पता नहीं है इसका जेंडर के क्या है। ये रहा, ये आ गया, ये लो भाई, ले आया मैं गुड़ का पानी। ये लो तुम्हारा बताया गया गुड़ का पानी। अब गुड़ घुल गया इतनी सी देर में यार, गुड़ कहाँ पे ये बताओ तो सही, दिख भी नहीं रहा, मैं चढ़ गया था अभी इस पे, खुला भाई है, मारती तो नहीं है। अरे इसका बच्चा लेके भागे हम, नहीं हमदा बोल रहा था भागेगी तो नहीं, मैंने चेक करो हमदा को, मैंने इतना बोला, मैंने एक मरता उठा के भाग के तो चेक करो आती है नहीं आती है, वो डरता इतना बोला काटेगी काटेगी। कोशिश तो कर रहा हूँ मैं ले आने की, पर इसने पकड़ लिया ना चोंच बड़ी गंदी मारेगी, ये खतरनाक होते हैं बहुत बच्चों के मामले में। तो यार दोस्तों ये मुर्गियां मैंने दिखाई नहीं, दूसरी मुर्गियां हम दोनों नीचे ले आए और जो मुर्गा और मुर्गी थी ना वो सेल आउट कर दिया। सेल आउट मैं आप लोगों को बोल रहा था काफी टाइम से करूंगा करूंगा करूंगा, पर वो सेल आउट करने की वजह ये थी कि यार हमारे पास ना का क्या नाम है उसका कोई फायदा भी नहीं हो रहा था, और मुर्गा ना वो सबको चिखवाता था यार, वो मुर्गा और मुर्गी, वो वैसे भी दोनों के दोनों एक बोलते हैं ना कि हमारे पास बस रखे हुए थे, किसी यूज में नहीं आ रहे थे, ना अंडे ना कुछ। और ये जो दो मुर्गियां हैं ना ये इसलिए अलग करी है क्योंकि इनमें एक काली वाली जो है ना वो भी बीमारी के लिए पेट में आई है। हाँ हाँ मैं और तुम दोनों ही अभी यहाँ पे तो मैं इनके खाना नीचे लेकर आया हूँ यार। ये यार मैं यहाँ लगा दूँ, तो यार ये दोनों के लिए आप लोग दुआ करें कि सेट हो जाए। काली वाली जो है ना ये थोड़ा खांसी में आई हुई है, और गर्मी आ गई है भाई, तो मैंने आप लोगों को बताया था गर्मियों की वजह से ही अक्सर बीमारियों में आएंगी, और इस बीमारी में लाजमी आती हैं जो इनके गले में ये ज़्यादातर रेशा होता है, ये जमता ही ज़्यादातर गर्मी की वजह से गर्मी में आ जाती हैं बहुत अक्सर मुर्गियाँ बहुत इसमें ना, और बहुत मारे भी जाते हैं अक्सर बेचारे। तो खैर यार दुआ करें कि ये सेट हो जाए। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ यार, जो हमारा मिंटू था ना दोस्तों वो बस यार गया तो गया, अब क्या कर सकते हैं यार, बहुत अच्छा था मिंटू भाई, एक दिन के लिए आया और ऐसे ही चला गया वो। खैर दोस्तों तो अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक कर दें, मेरे चैनल अगर मैं शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय। ये कहाँ गया, ये कहाँ गया है?